प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रेरितों अध्याय 12 का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, पत्रस की बंदी गृह से मुक्ति। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यरूशलेम में राजा हेरोदेस का राज्य था, और उसी समय में प्रभु यीशु के प्रेरितों के कार्य कलीसियाओं के रूप में फैलते जा रहे थे। तब उसी समय में हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को भी तलवार से मरवा डाला। और जब हेरोदेस ने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो इसी कारण उसने पत्रस को भी पकड़ लिया। बाइबल बताती है कि वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे, अर्थात यहूदियों के आधार पर वह फसे के पर्व के दिन थे, जिसमें जगह जगह से यहूदी एकत्रित हुए थे। तो इसी कारण अपनी प्रशंसा के कारण राजा हेरोदेस ने पत्रस को भी पकड़वा दिया कि जब यहूदी यूहन्ना को मरवा डालने से आनंदित हुए, तो वे पत्रस के पकड़े जाने पर और भी आनंदित होंगे और राजा की बड़ाई करेंगे, क्योंकि पत्रस कलीसिया का लीडर था। यहाँ हम देख सकते हैं भाइयों बहनों, एक शैतानी आत्मा से भरे मनुष्य की विचारधारा को, जैसी हेरोदेस की विचारधारा थी, जो कि परमेश्वर के कार्यों के विरोध की थी। परंतु वह नहीं जानता था कि परमेश्वर के कार्यों को कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि राजा हेरोदेस ने पत्रस को पकड़वा के बंदी गृह में डलवा दिया और चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा, यह सोचकर कि फंसे के बाद वह उसे लोगों के सामने लाएगा। यही सोच थी भाइयों बहनों हेरोदेस की, पत्रस के द्वारा अपनी बढ़ाई पाने की, अपनी प्रशंसा पाने की, और यह प्रकट करने की कि वह प्रभु यीशु की चर्चा व महिमा को रोक सकता है। परंतु वहां आगे हम देखते हैं कि जब पत्रस बंदी गृह में डाला गया, तब उसकी कलीसिया वहां पत्रस के लिए निरंतर लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान दें कि किस प्रकार जब कलीसिया का लीडर अगुआ उनका पासवान अर्थात पत्रस को हेरोदेस ने पकड़ लिया, तब भी वहाँ कलीसिया रुकी नहीं, चिंता में नहीं बैठ गई, और ना ही डर कर उन्होंने प्रार्थनाएं बंद की। वरन लिखा है वहाँ कि कलीसिया उस समय लो लगाकर प्रार्थनाएं करने लगी। मेरे प्रियो, ऐसा ही होना चाहिए हम विश्वासियों को भी। जब जब कठिन समय आए कलीसियाओं पर, जब जब मसीह विरोध बढ़े, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब जब सताव बढ़े, तब तब हमें डरने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वरन हमें और भी दृढ़ होकर, मजबूत होकर, वरन लो लगाकर प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है, ताकि हम उस कठिन घड़ी में शैतान की युक्तियों का सामना दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ और मजबूती के साथ करके सफल हो सकें, जैसा वहाँ भी हुआ। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि जब इसी प्रकार कलीसिया पत्रस के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने लगी, तब बाइबल स्पष्ट करती है वहाँ कि जब हेरोदेस पत्रस को लोगों के सामने लाने को ही था, उसी रात पत्रस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। अर्थात मेरे प्रियो, हम यहाँ सर्वप्रथम देख सकते हैं ध्यानपूर्वक कि पत्रस हेरोदेस के द्वारा बंदी बना लिए जाने के बावजूद भी, कड़े पहरों में बंद होने के बावजूद भी, यह जानते हुए भी कि उससे पहले हेरोदेस ने याकूब के भाई यूहन्ना को भी तलवार से मरवा डाला है, और अब उसे भी यहूदियों के आनंद के लिए व अपनी प्रशंसा के लिए मरवा भी सकता है, यह सब जानते हुए भी पत्रस वहां बंदी गृह में निश्चिंतता से सो रहा था, जो कि प्रकट करता है पत्रस के प्रभु के प्रति सच्चे समर्पण को व विश्वास को, जो जानता है कि जिसके प्रचार करने के कारण वह बंदी गृह में डाला गया है, वह सामर्थी प्रभु है, जो आप भी मुर्दों में से जी उठा, जिसे मौत भी हरा ना सकी, तो यह बंदी गृह की जंजीरें कैसे पत्रस को बांध सकती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी ही प्रतिक्रिया रखनी चाहिए हमें भी उन समयों में जब हम प्रभु के लिए सताव को सह रहे हों, या कठिन परिस्थितियां हमें घेरे हों, शैतान हमारे विरोध में योजनाएं बना रहा हो,
हमें भी उस घड़ी पत्रस की तरह शांत व निश्चिंत रहना चाहिए और हृदय मजबूत रखना चाहिए, यह सोचते हुए कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। यही विचार रखकर पत्रस उस कड़े पहरों में निश्चिंतता से सो रहा था और कलीसिया भी उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। ऐसी सुंदर व मजबूत कलीसियाओं का निर्माता था पत्रस और उन्हें हर कठिन घड़ी के लिए आत्मा में उसने मजबूत बना रखा था। मेरे प्रियो, जरा सोचें कि क्या आज ऐसे अगुवे या कलीसियां हैं जो इसी तरह लो लगाकर प्रार्थनाएं करें कठिन समयों में भी? बहुत थोड़ी। तब आगे हम देखते हैं, जब वह रात आई जब हेरोदेस पत्रस को लोगों के सामने लाने पर था, तब उसी रात प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां आ खड़ा हुआ और कोठरी में एक ज्योति चमकी और उस दूत ने पत्रस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और तुरंत पत्रस के हाथों से जंजीरें खुल पड़ी। तब स्वर्गदूत ने पत्रस से कहा कि कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और पत्रस ने वैसा ही किया। फिर दूत ने कहा कि अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। तब पत्रस उसके पीछे हो लिया, परंतु नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सत्य है, वरन उसने समझा कि वह कोई दर्शन देख रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या अद्भुत दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं, अलौकिक व आश्चर्यचकित कार्य को भी, कि एक स्वर्गदूत उतरा और वह कड़ी से कड़ी जंजीरें अपने आप खुलती गईं। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में सभी प्रकार के शैतानी बंधन आप ही खुलते जाते हैं। कोई भी ताकत, कोई भी चट्टान, कोई भी जंजीरें परमेश्वर के कार्यों को उसके धर्मी जनों को बांध नहीं सकती। यह तो केवल शैतान का एक भ्रम है जो टूटना ही है, जैसे वहाँ भी हेरोदेस का भ्रम टूटा। और जैसा कि हम देखते हैं वहाँ कि पत्रस को यह सब दर्शन लगा, वह समझ नहीं पाया कि वह सब सत्य है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को समर्पित कर देता है, फिर प्रभु उनके जीवनों में ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है कि जो सत्य नहीं वरन काल्पनिक लगे, परंतु वह सत्य ही होते हैं। क्योंकि जो कभी आँखों ने ना देखा हो और कानों ने ना सुना हो, ऐसे कार्य करने की सामर्थ रखता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। और जब स्वर्गदूत ने कहा पत्रस से कि अपने जूते पहन तथा वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, तो इसका तात्पर्य यही है मेरे प्रियो, कि जो काम पत्रस के द्वारा अभी होना बाकी था वह उसके लिए अब खुद को तैयार कर ले, अपनी कमर को बांध ले, क्योंकि वह कार्य रुकने वाला नहीं था वरन और तेजी से फैलने वाला था। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य रुकने वाला नहीं है, चाहे उसके लिए शैतान कितनी ही योजनाएं क्यों ना बना ले, वह स्वर्गीय कार्य तो विरोध के बाद और भी फैलता है। और उन स्वर्गीय कार्यों के लिए जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है, उन्हें प्रभु कहता है कि आप अपनी कमर को बांध लो, जूते पहन लो, वस्त्र पहनकर तैयार रहो, क्योंकि उनके द्वारा वह एक बड़े कार्य को परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। जैसा आगे पत्रस के द्वारा भी हुआ, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए और परमेश्वर का वचन उसी के द्वारा फैलता भी गया। और आगे हम देखते हैं वहाँ कि इसी तरह बंदी गृह के दरवाजे भी आप ही आप खुलते गए, और फिर तुरंत ही स्वर्गदूत पत्रस को बाहर गली तक छोड़कर चला गया। तब पत्रस सचेत हुआ और उसने तब जाना कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर उसे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है, अर्थात शैतान की सारी योजनाएं प्रभु ने उस घड़ी तोड़ डाली। हालेलुया। तब वहां से निकलकर पत्रस उस स्थान पर आया जहां सब इकट्ठा होकर पत्रस के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। तब पत्रस ने वहां पहुंचकर द्वार खटखटाया। तब रूदे नामक एक दासी देखने को आई और पत्रस को देखकर उसने आनंद के मारे फाटक को ना खोला, वरन भीतर दौड़कर सबको बताया कि पत्रस द्वार पर खड़ा है। तब सबने उससे कहा कि क्या तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब फिर सबने जाकर खुद ही पत्रस को देखा तो उसे देखकर चकित हुए। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, कलीसिया की लो लगाकर की गई प्रार्थनाओं का उत्तर उनके सामने खड़ा था पत्रस के रूप में, और वह तुरंत आए और अपने उत्तर को देखकर चकित हुए। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर को लो लगाकर आत्मा व सच्चाई से पुकारने का परिणाम। वह भला परमेश्वर है, मन से, आत्मा से, निरंतर विश्वास से पुकारने वालों की वह सुनता है
तथा उत्तर भी देता है, जैसे कलीसिया की प्रार्थना का उत्तर पत्रस के रूप में उनके सामने था और लोगों ने उसे देखकर आश्चर्य किया, इसीलिए क्योंकि पत्रस से पहले भी हेरोदेस याकूब के भाई यूहन्ना को मरवा चुका था और पत्रस को भी उसने अब कड़े पहरों में बंद किया था, अर्थात असंभव को संभव होते हुए उन्होंने वहां देखा। परंतु यह उनकी प्रार्थना का ही परिणाम था जो पत्रस की हेरोदेस कोई भी हानि ना कर पाया। हालेलुया। इस प्रकार मेरे प्रियो, पत्रस की बंदी गृह से मुक्ति हुई तथा जो कार्य प्रभु ने पत्रस के द्वारा करना था वह रुका नहीं, वरन उसी के द्वारा परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। और बाइबल यह भी बताती है कि इसके पश्चात राजा हेरोदेस का भी अंत हुआ। बाइबल स्पष्ट करती है कि राजा हेरोदेस कीड़े पड़ के मरा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर की कलीसिया को सताता है या धर्मी जनों पर हाथ डालता है उसका अंत बुरा ही होता है, क्योंकि वचन में प्रभु ने आप ही कहा कि जो तुम्हें छूता है वे मेरी आँख की पुतली को छूता है, और यह तो प्रकट है कि परमेश्वर को छूने वालों का अंत बुरा ही है, जैसा हम वहाँ हेरोदेस के जीवन में भी देख सकते हैं। तो यह तो सत्य है मेरे प्रियो कि शैतान कल, आज और युगानुयुग के लिए हारा हुआ है। वह परमेश्वर के विरुद्ध में योजनाएं तो बना सकता है, परंतु उसकी योजनाएं कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वह पहले ही प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर हराया जा चुका है। वरन उसके सताप से तो और भी परमेश्वर का कार्य बढ़ता और फैलता जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ इस अध्याय से हम कुछ विशेष बातों को सीख लेंगे। एक तो यह है कि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया है उसमें समर्पित करें खुद को, फिर चाहे परिस्थितियां आपके विरोध ही में क्यों ना हो। कोई भी बाधाएं, कोई भी कठिनाइयां, कोई भी जंजीरें आपको बांध नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। परमेश्वर का स्वर्गीय कार्य कभी रुक नहीं सकता। बस आपको पत्रस की तरह दृढ़ता व विश्वास को थाम कर निश्चिंत व शांत बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप ही आप उसके कार्यों के लिए आपके मार्गों को खोलता जाएगा, जंजीरों को तोड़ता जाएगा। वह अपने दूतों को आपकी सुरक्षा व सहायता के लिए अवश्य ही भेजेगा। बस आप पत्रस की तरह जूते पहनकर, कमर बांधकर, वस्त्र पहनकर उसके कार्यों के लिए सदा तैयार रहें। हालेलुया। और दूसरा यह है कि लो लगाकर की जाने वाली प्रार्थनाओं का परिणाम जो कलीसिया के द्वारा हम देख भी पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे आपके चारों ओर घोर अंधकार ही क्यों ना हो, यदि आप उन परिस्थितियों में भी विश्वास के साथ लो लगाने वाले मनुष्य हैं तो निश्चय ही आप अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत आते हुए देखेंगे, जैसा उस घड़ी कलीसिया की प्रार्थनाओं का उत्तर भी पत्रस के रूप में तुरंत आया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्यों के लिए खुद को दृढ़ करें, सदा उसके लिए समर्पित बने रहें, कठिन परिस्थितियों में घबराए नहीं, चिंता ना करें, वरन और लो लगाकर प्रार्थनाएं करें, फिर आप अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को होता हुआ देखेंगे। वैसे कार्य जो पहले कभी आपने ना देखे हो ना सुने हो, उन कार्यों को परमेश्वर आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा सब पर प्रकट करेगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।